हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज अगर हम बात करें अपने क्लास में, तो हम करने वाले एक्सरसाइज 2.3, बिकॉज हम 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं, और 2.3 में भी क्या है, सिंपल क्वेश्चंस ही हैं। बस उसमें क्या है, आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड क्या दिए हुए हैं, वेरिएबल्स दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। अगर हम बात करें अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, तो देखते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। देखिए, आपको दिया गया है 3x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो यहाँ पर जैसे अभी आपने 2.1 किया था, 2.2 किया था, तो उसमें क्या था, आपके सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में या फिर ओनली राइट हैंड साइड में, दैट मीन्स ओनली वन साइड पे वेरिएबल था। यहाँ पर दोनों ही साइड आपको क्या दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है। अगर हम देखें तो अब आपको क्या करना है, जस्ट सेम काम करना है। पहले हम क्या करते थे, कॉन्स्टेंट को किसी एक तरफ लेके जाते थे, अब आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को अलग अलग जगह पर लेकर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 2x वेरिएबल है, 3x वेरिएबल है, तो 2x को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोज किया जाएगा 3x की तरफ। तो हम यहां लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 2x ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, वी गेट तो आपको क्या मिलेगा, 3x। अब यहां पे 2x कैसा है, प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा कैसा हो जाएगा, माइनस का, 2x इज इक्वल टू 18। ओके, नाउ अगर आप इनमें से माइनस करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 18, एंड दिस इज योर आंसर। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, सिंपल था। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन है 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो यहां पर भी क्या है, देखो दोनों तरफ क्या है आपके वेरिएबल्स है, और दोनों ही आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, आपके पास कॉन्स्टेंट्स है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल को, जो आपका ये वेरिएबल है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहां लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 3t ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट ट्रांसपोज करने से क्या होगा, 5t माइनस 3, ये एज इट इज, और ये जब यहां पे प्लस का 3t है, जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस का 3t बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू -5। अब देखिए, ये 5t, ये माइनस का 3t, ठीक है, तो दोनों आपस में माइनस हो गए, क्या बन जाएंगे, 2t, और माइनस का 3 इज इक्वल टू -5। नाउ बारी किसकी है, 3 की, माइनस 3 की, तो आप क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग -3 ऑन राइट हैंड साइड वी गेट, राइट हैंड साइड भेजने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहां पर 2t इज इक्वल टू -5, और ये माइनस का 3 है, दूसरी साइड जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2t इज इक्वल टू -2, बिकॉज -5 + 3, आंसर इधर बचेगा -2। अब ये 2 क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो t के आंसर क्या आ जाएगा, यहां से t इज इक्वल टू -2 / 2, विच इज इक्वल टू -1, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप, देखिए इतने इजी क्वेश्चंस है, अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, और जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उनको अगर इसके साथ साथ के साथ अप्लाई करते हो, तो आपको बहुत आसान क्वेश्चंस लगेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं आपका। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे, तो थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। अब यहां पे भी क्या होगा, 3x को सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, तो लिखोगे ट्रांसपोजिंग 3x ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 5x - 3x इज इक्वल टू, और साथ में प्लस 9 आ जाएगा,
इज इक्वल टू 5, तो 5 ये माइनस का 3x, तो क्या हो जाएगा 2x। ओके, अब यहां पे क्या बचा आपके पास, प्लस का 9। इस प्लस 9 को आप क्या करोगे, ट्रांसपोज करोगे 5 की साइड पे, यहां से 5 की साइड पे ट्रांसपोज करोगे, तो आंसर क्या आएगा 2। यहां लिखेंगे सबसे पहले ट्रांसपोजिंग 9 ऑन राइट हैंड साइड वी गेट, तो आंसर क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 9 एंड 2x इज इक्वल टू माइनस 4 और 2 क्या जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज योर आंसर। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें क्या कहा गया, वेरीफाई भी करना आपको, क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई का मतलब क्या है, आप x की वैल्यू जो यहां से निकल रही है, जैसे x की वैल्यू 18, t की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2, तो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अलग अलग टाइम पे पुट करेंगे, तो यहां पे करेंगे टू वेरीफाई। एक क्वेश्चन के लिए मैं करके दिखा रहा हूं, आप इन क्वेश्चंस में खुद से कर लीजिएगा या अगले क्वेश्चन में भी खुद कर लीजिएगा। ठीक है, तो टू वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो हमारे पास क्या था, 5x प्लस 9। अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं तो x की वैल्यू कितनी है, -2 प्लस 9, 5 2 10, दैट मीन्स -10 प्लस 9 विच इज इक्वल टू -1। ओके, अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड में भी साथ के साथ वैल्यू रख दो, क्या लिखा हुआ, 5 प्लस 3x, नाउ आप वैल्यू पुट कर दीजिए x की जगह पे, 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2, तो आंसर क्या आएगा यहां से, 5 माइनस 6 और आंसर क्या आएगा, -1। अब यहां लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, यानी कि हमारा जो आंसर निकाला था हमने x की वैल्यू वो बिल्कुल ठीक है। देखिए x की वैल्यू -2 निकाली थी, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे पुट किया तो भी आंसर -1 आया, राइट हैंड साइड पे आपने पुट कर दिया तो भी आंसर -1 आया, यानी कि आंसर क्या है, ठीक आ रहा है, दैट मीन्स x की वैल्यू आपने ठीक पुट की है। ओके, इस तरीके से ये काम, ये जो चार लाइनें मैंने यहाँ लिखी है वो आपकी फर्स्ट क्वेश्चन में भी आएंगी और वही लाइन्स आपकी सेकेंड क्वेश्चन में भी आएंगी। ओके, अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 4z + 3 = 6 + 2z ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, इसे सोल्व करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2z जो आपको दिया हुआ उसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, तो यहां लिख दीजिए ट्रांसपोजिंग 2z ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट। ओके, तो 4z - 2z + 3 = 6, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 2z और ये प्लस 3 एज इट इज इक्वल टू 6। नाउ क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 3 ऑन राइट हैंड साइड वी गेट 2z = 6 - 3। ओके, 2z = 6 - 3, तो 2z = 3। अब 2 की वैल्यू को क्या करोगे, डिवाइड में ले जाओगे, तो z = 3/2। अब आपको वेरीफाई भी करना है, चेक भी करना अपना रिजल्ट जो आया है आपका, तो यहां पे टू चेक या फिर टू वेरीफाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ आपको, 4z + 3, जेड की वैल्यू क्या है, 3/2, तो 4 × 3/2 और प्लस में 3, 2 से 2 पे कैंसिल, 3 × 2 = 6 + 3 विच विल गिव यू 9। अब राइट हैंड साइड की बारी है ना, राइट हैंड साइड पे जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, 6 + 2z और z की वैल्यू क्या है आपकी, 3/2,
2 से 2 कैंसल, बचा क्या 6+3 विच इज इक्वल टू 9। और यहां पे आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको ट्राई करने से सोल्व करने की। और स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप अपनी क्लासेस डेली बेसिस पर चलाएं, आप आज का काम कल पर ना छोड़ें, जो आपको डेली वीडियोस सेंड की जा रही हैं उसे देखें, अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट करें, उनसे प्रैक्टिस करते रहें। और अगर मुझे पता करना है जैसे कि आप कौन कौन बच्चे देख रहे हैं, तो अपना यस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जैसे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चे लगभग स्टूडेंट्स जो है मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं, कितने बच्चों तक वीडियो पहुंच पा रही है। ठीक है, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।